नमस्कार। तो कैसे आप, और देखिए आज मैं बात करना चाहूंगा फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग के बारे में। देखिए क्योंकि कई स्टेट्स हैं जो फ्रेंचाइजी बेस्ड फुटबॉल लीग धीरे धीरे चालू कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखें, सबसे पहले सिक्किम प्रीमियर लीग आई। सिक्किम प्रीमियर लीग सक्सेसफुल रही, क्यों रही उसके पीछे मैं कारण आपको बताऊंगा। गुजरात लीग भी सक्सेसफुल रही, लेकिन कुछ मामलों में वो चीजें वहां पे नहीं मिली जो सिक्किम में मिली। और उसके बाद अभी केरला सुपर लीग आने वाली है, तो केरला सुपर लीग के भी हाई चांसेस है कि वो सक्सेसफुल रहेगी, और क्यों रहेगी उसके पीछे मैं रीजन आपको बताऊं। तो देखिए आज मेरा जो मेन उद्देश्य बात करने का वो ये है कि क्या फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग स्टेट में फुटबॉल को इवॉल्व कर सकती है, फुटबॉल को लेकर एक चेंज लेकर आ सकती है क्या, इसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखिए अगर हम एक फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग की बात करें, अगर अदर स्पोर्ट्स के हिसाब से भी, तो हमारे देश में आईपीएल आया था। अब आईपीएल बहुत ही सक्सेसफुल क्यों रहा, उसके पीछे मेन कारण ये है कि हमारे पास कोर में ऑडियंस उसकी बहुत अच्छी है, और हमारे यहाँ क्रिकेटिंग कल्चर है तो कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रो कबड्डी लीग हमारे यहाँ लॉन्च हुई, प्रो कबड्डी लीग सक्सेसफुल हो गई, क्यों, क्योंकि कोर में ऑडियंस अच्छी बैठी है ना। आपको ग्रास रूट लेवल पे वर्क करने की जरूरत नहीं है कबड्डी के लिए, आपके कबड्डी के फैंस आपके अवेलेबल है गांव गांव में, आपने लीग ला के पटक दी, आपकी लीग एकदम टॉप पे चली गई। फिर हम बात करते हैं आईएसएल की। आईएसएल भी लॉन्च होता है सेम फ्रेंचाइजी बेस्ड, कि जैसा सक्सेस आईपीएल ने देखा शायद आईएसएल भी देख पाए, लेकिन कोर पे काम ही नहीं था तो आईएसएल अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब देखिए आईएसएल जो है कहां कहां पे बहुत ज्यादा उसका अच्छा मार्केट है, केरला, केरला ब्लास्टर्स, मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, अच्छा मार्केट है, और बाकी जगह धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा मेन कारण यह है कि इसमें ग्रास रूट की जरूरत है, इसमें ग्रास रूट लेवल पे काम करने की जरूरत है। लेकिन फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग है तो पहला काम लीग को अच्छा करना होता है, ग्रास रूट को करना तो सेकेंडरी काम हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सिक्किम प्रीमियर लीग। सिक्किम प्रीमियर लीग पहले ही सीजन में सक्सेसफुल होगी, क्यों, क्योंकि कोर में ऑडियंस बहुत अच्छी है, सबको फुटबॉल पसंद है, सब फुटबॉल देखने वाले हैं। गुजरात की बात करें, लीग सक्सेसफुल है, लेकिन ऑडियंस के हिसाब से वो एक मार्केटिंग पर्पज से देखा जाए तो उतनी ऑडियंस वहाँ पे नहीं, क्योंकि वहाँ पे पहले गुजरात में कोर पे और बेहतर काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि केरला की लीग के हाई चांसेस है कि वो सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस पहले से है, ग्रास रूट पे जाके काम करने की जरूरत नहीं कि हमको फुटबॉल के नए फैंस बनाना है, नए प्लेयर्स को सिखाना है, अपने आप बच्चा फुटबॉल सीखने आ जाता है, अपने आप जो है वहाँ पे फुटबॉल फैंस मैच देखने आ जाते हैं, कोई ऐसा अवेयरनेस की जरूरत नहीं। तो इससे क्या होगा कि गेम और पॉपुलर होगा और इंटरेस्ट आएगा लोगों में, जैसे केरला सुपर लीग के बाद मे बी वहाँ के स्टेट लीग फुटबॉल में और इंटरेस्ट आएगा लोगों का, और बाद में मे बी इसको मर्ज भी किया जा सकता है। जैसे आईएसएल पहले एक सेपरेट था, देन उसको मर्ज कर दिया, अब वो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर में ला दिया, उसको टॉप डिवीजन बना दिया, तो ऐसा इन लीग्स को भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि जिन स्टेट्स में है ही नहीं फुटबॉल वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे ये फ्रेंचाइजी बेस्ड तो वर्क ही नहीं करना है, वहाँ पे तो पूरा घाटे में चला जाएगा, वहाँ पे तो पहले आपको कोर पे ही काम करना पड़ेगा, तो वहाँ की स्टेट अफेयर्स को ये करना ही पड़ेगा। हालांकि देखिए अगर वहाँ पे फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग जैसे एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, इस टाइप के, जब बिहार, अगर यहाँ पे फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग अगर आप लेके आते हैं तो ऑडियंस कहाँ से लाओगे, ऑडियंस आएगी कैसे? तो जब तक पहले आप अवेयरनेस नहीं फैलाओगे तब तक ऑडियंस नहीं आना है। और देखिए जिन स्टेट्स में फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग चालू हुई भी है वहां पे गेम को पॉपुलर करने के लिए की गई, और वो पॉपुलर हो भी रहा है। सिक्किम में और पॉपुलर हो रहा है गेम, केरला में इस लीग के बाद और पॉपुलर होगा, गुजरात में पॉपुलरिटी और बढ़ रही है इस लीग के बाद, तो जो उद्देश्य एक्चुअली में है वो बढ़ रहा है, और ऊपर से पैसा भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, प्लेयर्स पैसा भी कमाए, तो मतलब काम अच्छा हो रहा है। बस इसमें मैं ये चाहता हूँ कि इसमें एक चीज ये ऐड हो जाए थोड़े टाइम बाद, कि ये जो फ्रेंचाइजी बेस्ड क्लब्स है ये बाद में धीरे धीरे भाई ग्रास रूट पे भी काम करना चालू करें धीरे धीरे, क्योंकि स्टेट लीग के क्लब तो उतना पैसा नहीं कमाएंगे जितना कि आप कमाएंगे, या जितनी फंडिंग आपके पास हो उतनी स्टेट लीग के क्लब्स के पास तो नहीं हो सकती, तो थोड़ा धीरे धीरे, ऐसा नहीं बोल रहा एकदम लग जाओ अभी से, धीरे धीरे अगर ये क्लब्स भी मतलब ग्रास रूट लेवल का काम देखने लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। और इसमें एक और चीज ये भी होना चाहिए कि फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग जो है उसके चक्कर में उस स्टेट की जो मेन स्टेट लीग है जहां से आई लीग 3 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा उसकी वैल्यू कम ना हो, उसको वहां से एकदम ही साइड ना कर दिया जाए, क्योंकि मेन करियर के हिसाब से देखा जाए तो वो तो वहीं से आगे निकलेंगे ना, कोई क्लब्स आगे कैसे निकलेंगे, वहीं से निकलेंगे। अब फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग जो है वहां पे आप खेल सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं और एंटरटेन कर सकते हैं, ये उसके लिए है। क्योंकि सिक्किम प्रीमियर लीग जो आई थी उसके चक्कर में जो सिक्किम की स्टेट लीग जो टॉप डिविजन वो बिल्कुल ही एकदम ही खत्म सी हो गई, तो ऐसा भी ना हो, मतलब दोनों चीजें एकदम पैरेलल चले कि आप प्लेयर्स इसमें भी खेल सकते हैं जो प्रीमियर लीग है, देन जो अपनी स्टेट की लीग है उसमें भी खेल सकते हैं। तो आप ये फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग का जो ये सिस्टम है इसको किस तरीके से देखते हैं, कि आप चाहते हैं या आपके दिमाग में ऐसा आता है कि और भी स्टेट में
मे बी ये चालू हो सकता है फ्यूचर, मे बी बंगाल में चालू हो जाए या नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है वहां आ जाए। क्या आपको लगता है ऐसा होगा या होना चाहिए, या गोवा जैसी जगह पे मुंबई में? मतलब आपके इसके ऊपर क्या टेक है फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग के ऊपर, इसके ऊपर आप जरूर अपनी राय जरूर रखिएगा, जो भी आपके ओपिनियंस है कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।